तेजस्वी यादव 2021 में आएंगे तो रोजगार मिलेगा युवाओं, क्योंकि नीतीश कुमार तो सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है उनसे। अभी जितना रोजगार मिल रहा है शायद उतना रोजगार नहीं मिलेगा। अभी जो नीतीश सरकार अभी काम कर रही है उससे बेटर कोई कर ही नहीं सकता अभी। आज भी युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिनके पास स्किल है वो रोजगार लेके ही घूम रहे हैं। सरकारी नौकरी तो दूर, नियोजन वाला भी नौकरी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर का भी नौकरी खत्म है। कुछ ना होगा, ये सब है इसी लचर पचर राजनीति है, कुछ नहीं होगा ये सब। आज सरकार की जाने का जो बात हुआ वो सरकार देखिए, सरकार तो अभी पूर्ण बहुमत से बना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। अगर तेजस्वी यादव 2021 में अपनी सरकार बना लेते हैं तो क्या वो फर्स्ट कैबिनेट में युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे? अभी छात्र जब अपनी मांग रखते हैं सरकार के सामने तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, तो इस पे तेजस्वी यादव क्या करेंगे? 2021 में वो रोजगार देंगे युवाओं को या फिर नहीं? तो आइए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या लगता है तेजस्वी यादव की अगर सरकार बन जाती है 2021 में तो वो जो वादा कर रहे थे विधानसभा में कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, बिहार में बहुत बेरोजगारी है, तो वो दे सकेंगे? हमको तो ऐसा लग रहा है क्योंकि नीतीश कुमार तो सिर्फ प्रॉमिस कर रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है उनसे, क्योंकि वैकेंसियां तो आ रही हैं। अभी 2014 में बिहार एसएससी का वैकेंसी दिए हुए थे, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। अभी 2021 चल रहा है, अब टाइपिंग लेना शुरू किए हैं, फिर नया वैकेंसी बिहार एसएससी का अभी नोटिफिकेशन देने वाला है, फिर पता नहीं उसको कब क्लियर होगा। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल अच्छा काम कर रही है, शांति से लोग जी रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। कोरोना के समय में देखा गया है कि कैसी स्थिति बनती है, खत्म हो गया, ये कम बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, कोरोना के समय में तो आपने देखा कैसी स्थिति बन गई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, लोगों को बेड तक नहीं मिल रही थी, लोग बाहर मर रहे थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, प्राकृतिक आपदा है, ये आएगा और एकाएक आएगा और उसके लिए ना कोई दवा है ना कुछ है, तो उस हिसाब से तो आते रहेंगी जाते रहेंगी परिस्थितियाँ उसके लिए। मतलब आप सरकार से खुश हैं? हाँ, सरकार ओबियसली खुश है। धन्यवाद। मैम आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव 2021 में आएंगे तो रोजगार मिलेगा युवाओं? अभी जितना रोजगार मिल रहा है शायद उतना रोजगार नहीं मिलेगा। अभी जो नीतीश सरकार अभी काम कर रही है उससे बेटर कोई कर ही नहीं सकता अभी। अभी के फिलहाल अभी जो प्रेजेंट में आपको दिख रहा है, अभी प्रेजेंट में जो दिख रहा है कि बिहार में बहुत सारा तरक्की हो रहा है और आज से 15 साल पहले का आप कंपेयर खुद करके खुद देख लीजिए कि क्या तरक्की हुआ और क्या तरक्की नहीं हुआ। आज हम फ्री होके घूम रहे हैं, स्कूटी लेके चल रहे हैं ड्यू टू नीतीश कुमार। तो क्या लगता है आपको कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार 2021 में बनती है तो युवाओं को रोजगार मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी घोषणा किया 15 साल उनका सरकार रहा है, तो अभी भी अगर उनका विधायक बढ़ा है तो अभी भी जो है माहौल खराब हो ही रहा है जहाँ जहाँ उनके विधायक जीते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो चुनावी घोषणा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं, आज भी युवाओं को रोजगार मिल रहा है, जिनके पास स्किल है वो रोजगार लेके ही घूम रहे हैं, मैं भी रोजगार ले रखा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं, स्किल होना चाहिए, रोजगार की कमी नहीं है। क्या करते हैं आप? मैं आपको गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस में रीजनल नेटवर्क कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं मोटर क्लेम देखता हूँ। काफ़ी बार देखा गया है कि धांधली होता है एग्ज़ाम में, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं तो कभी कहा जाता है एग्ज़ाम के बाद कि क्वेश्चन गलत था, 10 क्वेश्चन गलत था। कई बार ऐसा देखा गया कि नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के निकल जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार की जो इस तरीके से वो निकालते हैं वैकेंसीज फिर कैंसिल कर देते हैं या क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, इस पर क्या लगता है सरकार सही काम कर रही है? नहीं तो इसमें प्रशासन दोषी है, सरकार हर एक जगह मॉनिटर नहीं करती और उस पर एक्शन लिया भी जाता है, ऐसा नहीं इसमें हर एक जगह सरकार ही दोषी है, ऑफिसर और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहले तो मीडिया लोग को, जो सत्ता पक्ष है उनसे सवाल करना चाहिए। तेजस्वी अभी विपक्ष में है, ठीक, नीतीश कुमार तेजस्वी 10 लाख या 9 लाख नौकरी का बात के उस पर नीतीश कुमार के जदयू पार्टी और बीजेपी दोनों सवाल उठाए थे, और अपने जो कि कहाँ से 9 लाख जो सरकारी नौकरी है वो आएगा, और अपने 19 लाख नौकरी को बताए थे कि हम 19 लाख देंगे, मान लीजिए आपके पास 5 रुपया नहीं है तो 10 रुपया आपके पास कहाँ से आएगा, जो अगला आदमी कह रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि ये लोग सिर्फ चुनाव के समय झूठ मूठ का बात बनाकर, झूठ मूठ का वादा करके जनता को ठग लेते हैं, और सरकारी नौकरी तो दूर, नियोजन
वाला भी नौकरी नहीं मिल रहा है, प्राइवेट सेक्टर का भी नौकरी ख़त्म है, ठीक ना। बिहार में बेरोजगारी का बहुत बड़ा सितम है इस समय, अभी समझ रही है ना। और तेजस्वी आएंगे तो क्या होगा नहीं होगा वो बात का चीज़ है, भविष्य का चीज़ है, पर 9 लाख बोले हैं, देखिए क्या होता है, आने के बाद ही पता चलेगा। आपको क्या लगता है सर, 2021 में अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो रोज़गार मिलेगा? देखिए से बन सकती है सरकार, 6 महीने पहले बोल दिया था उसने। आरजेडी के जो मुख्यमंत्री है काची तो नाम है, दिल्ली में रहते हैं, काची तो खून पसवान है, वो बोलेंगे 6 महीने बाद सरकार बदलेगी जरूर। रोजगार तो कुछ नहीं, नीतीश कुमार तो बोले हम देंगे 20 लाख नौकरी, तो बीजेपी लोग बोलेंगे यहाँ तो नौकरी मिलवे नहीं कर रहा है। नया चेहरा को ला के देखिए, कुछ देश का कुछ विकास होगा, ऐसे नहीं करे तो विकास कहाँ से होगा, बोलिए आप ही बोलिए। सरकार तो पलटे है ही है, देखिएगा। तो क्या लगता है आपको 2021 में अगर उनकी सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देंगे? कुछ ना होगा, ये सब है इसी लचर पचर राजनीति है, कुछ नहीं होगा ये सब। आ सरकार की जाने का जो बात हुआ, वो सरकार देखिए, सरकार तो अभी पूर्ण बहुमत से बना है नीतीश कुमार जी का, तो यहाँ कुछ होने वाला ना है। और जैसा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 10 लाख, तक कहाँ से देंगे नौकरी बताइए आप हमको, कहाँ से देंगे? लेकिन वो कहते रहे हैं कि देंगे, ना देंगे। इधर तो नीतीश कुमार भी ये कह रहे थे कि 19 लाख रोजगार देंगे और अभी तक तो वो भी कुछ नहीं करते नजर आ रहे। देखिए अभी हाल जो नीतीश कुमार किए बिहार के लिए, वो तो किसी भी बिहारवासी से क्या पूछ सकते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और बात है यहाँ रोजगार की, तो देखिए सीट रहेगा तब तो रोजगार मिलेगी। आपको क्या लगता है अगर हम रोजगार की बात कर लें, क्योंकि बिहार में युवा सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ हर युवाओं को रोजगार चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि 2021 में अगर तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो पहली कैबिनेट में जो वो वादा किए थे 2020 में कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, तो क्या वो देंगे? ऐसा थोड़ी है, रोजगार थोड़ी है घर चलते हुए कि किसी को रोजगार दे सकते हैं, वो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। सब लोग ऐसा तो 10 लाख को देंगे, 10 ही लाख थोड़ी है युवक यहाँ पर कि 10 लाख को कहाँ से रोजगार दे सकते हैं। आखिर जो नीतीश कुमार तो कहे थे 19 लाख का, तो वो तो ये पूरा करते नहीं दिख रहे हैं। रोजगार के लिए थोड़े वो कहे थे कि अपना बिजनेस कीजिए, हम किसी चीज़ में दे सकते हैं। मान लीजिए कि अपना बिजनेस खो रहे तो वो सरकार की तरफ से आधा देने के लिए 50% कहे थे भी। तो वो रोजगार एक होता है कि रोजगार अपना बैठ कर रहे हैं, दूसरे के अथी में कर रहे हैं, वो तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। नहीं मैम देखिए, पहली कैबिनेट में तो 10 लाख युवाओं का रोजगार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बात है कि रोजगार तो पैदा करने के लिए सरकार को अपना क्या बोला जाए मौका कुछ काम करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो सर सरकार काम करेगी तब तो देगी। अभी बीजेपी अभी एक क्या बोलती है बीजेपी और इसका बना है नीतीश कुमार का सरकार, तो इसमें अभी 8 लाख तक का वैकेंसी दे चुका है बिहार सरकार अपने आने के बाद, और आगे भी बिहार सरकार दे सकता है। और लालू यादव के समय का तो सब कोई जानता है कि दंगा किस तरह से हुआ करता था। खैर बीजेपी और इसका क्या बोला जाए नीतीश कुमार का जो सरकार बना है अभी बिहार के लिए सबसे अच्छा यही है। हाँ मतलब आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव को इस बार मौका मिलना चाहिए? नहीं मौका तो सबको मिलना चाहिए मैम, लेकिन फिर भी अभी बीजेपी और नीतीश कुमार का सरकार सही है। 19 लाख का जो वादा किए हैं, और अच्छा ये बताइए मुझे कि जिस तरीके से अभी स्टूडेंट को मारा पीटा जा रहा है, कई बार आपने देखा होगा कि एसटीटी वाले जो हंगामा किए थे कि आपने वैकेंसी निकाली उसके बाद आप मुझे नहीं उस पर बहाली कर रहे हैं, तो उसके बाद जब वो प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई, तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से सरकार चल पाएगी, इस तरीके से युवा अपनी हक मांग पा रहे हैं? नहीं मैम ये तो गलत हो रहा है मैम, लेकिन फिर भी अब क्या कहा जाए सरकार के बारे में, सरकार तो अपना काम करता है और जनता अपना काम कर रहा है। तो क्या लगता है अगर 2021 में तेजस्वी यादव की सरकार आती है तो वो 10 लाख युवाओं को रोज़गार दे पाएंगे? अब वो तो उतना कुछ आइडिया तो इस बारे में नहीं है, अगर पॉलिटिकली दिमाग लगा के अगर वो करते हैं, मतलब बच्चों देखते हैं, एजुकेशन में देखते हैं, फिर फाउंडेशन इन सब में देखते हैं, तो फिर हो सकता है।
तब वो तो उन पे डिपेंड करेगा उतना खास। तो जैसे कि आपने सुना कि हर लोगों का अलग अलग तरीके का बयान है, हर लोग अलग अलग तरीके की बात सोचते हैं, कोई चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आए तो कोई चाहते हैं कि नीतीश कुमार अभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि किस तरीके से अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनती है तो क्या वो 2021 में विकास कर पाएंगे, क्योंकि लगातार वो ये बोलते आ रहे हैं और लगातार ट्विटर पर भी आपने देखा होगा कि कई बार वो नीतीश कुमार को लेकर ट्वीट करते नज़र आते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में कोई विकास नहीं हो रहा है, नीतीश कुमार की सरकार अब ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, डबल इंजन की सरकार है, कुछ विकास नहीं होगा और ये सरकार को हम 6 महीने के अंदर गिरा देंगे। तो देखना ये होगा कि अगर तेजस्वी यादव 6 महीने के अंदर सरकार गिराते हैं और 2021 में अपनी सरकार बनाते हैं तो क्या ये युवाओं को रोज़गार दे पाएंगे, क्या 10 लाख रोज़गार का जो उनका वादा है वो पूरा कर पाएंगे। और वैसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ PR। नमस्कार।